सेवा सरकार एंड यू आर वाचिंग एसएस इलेक्ट्रिकल मैजिक। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक रिमोट कंट्रोल सर्किट बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रिमोट कंट्रोल सर्किट होगा बहुत ही छोटा सा होगा, तो ये जो सर्किट है अगर हम इस पे लाइट लगाते हैं तो उसे हम रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इसे हम रिमोट से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर इसकी जगह पे हम फैन लगाते हैं तो उसे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी वायरलेसली। तो देख लेते हैं उसे कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देख सकते हो मैंने सारा कनेक्शन कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक एसी बल्ब यानी कि होल्डर के साथ तार जोड़ के रिले में जोड़ दिया। अब इस सर्किट को वर्क करने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत है, वो मैंने यहाँ से एक चार्जर से दे दिया, जो कि आप कोई सभी पुराने चार्जर को यूज़ कर सकते हो। पूरा कनेक्शन हो गया। अब जैसे ही हम रिमोट से पहले इसको कनेक्शन दे देते, इसको चालू कर देते इसे कनेक्शन, तो मैंने यहाँ से चालू कर दिया। अब ये वन है। जैसे ही हम इस रिमोट के वन बटन को हम प्रेस करेंगे, ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगा। फिर दोबारा हम इसे ऑफ बटन वाला, जो ऑफ लिखा है ये ऑफ बटन हम यूज़ करेंगे यानी कि इसे प्रेस करेंगे तो ये लाइट जो ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, अभी फिलहाल ऑफ है, हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। तो हम ये ऑन बटन जो लिखा है ऑन, हम इसे ऑन करेंगे अभी। तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसे ऑन प्रेस किया ये जो लाइट है ये जल गया है। फिर से हम बंद करेंगे, देख सकते हैं ये बंद हो गया। फिर से ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। जब तक हम इसे ऑफ नहीं करेंगे तब तक इसे ये ऑफ नहीं होगा, ये ऐसे ही ऑन रहेगा। है ना एक बढ़िया डिवाइस। घर के पुराने फैन या फिर पुराने लाइट कुछ भी हो, उसे आप रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं ईजी तरीके से। चलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से घर पे एक रिमोट सर्किट बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा है। अगर इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ, इस भाई को सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैंने कितनी मेहनत करता हूँ, इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता हूँ। तो आपको एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपकी इससे भी ज्यादा इनोवेटिंग प्रोजेक्ट बनाकर दिखा सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।